नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। अगस्त क्रांति के अवसर पर जिले भर में तिरंगा यात्रा निकाल हर घर तिरंगा को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। यहां जिला मुख्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष बीरेन वल्लिया की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वड्डा के झौलखेत मैदान से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका शुभारंभ विधायक मयूख मेहर द्वारा किया गया। इस मौके पर कई कांग्रेसी मौजूद थे। स्थानीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भी हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा यात्रा डॉक्टर सरोज वर्मा की अगुवाई में निकाली, जिसका शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर पुष्कर सिंह द्वारा किया गया। ताइक्वांडो खिलाड़ी हरीश बिष्ट, मुकुल पाठक, महेश बराल की उपस्थिति में जागरूकता रैली निकाली। जिला सहकारी बैंक कर्मियों ने भी सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत की अगुवाई में जागरूकता रैली निकाली। गणाई गंगोली महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भी जागरूकता रैली निकाल लोगों को घर घर तिरंगा फहराने को जागरूक किया गया। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों के जवानों द्वारा ग्रामीणों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। पिथौरागढ़ के नगर पालिका सभागार में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए नमन किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। शुभारंभ अवसर पर कन्या मंडप स्कूल की छात्राओं द्वारा स्वागत व देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष केशव दत्त भट्ट, संगठन के सदस्य राजेश मोहन उप्रेती, संगठन मंत्री मनोहर खाती, जिला शिक्षा अधिकारी हवलदार सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। इससे पूर्व अतिथियों द्वारा राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल के छात्राओं को तिरंगा वितरित किया गया। बीते दिनों से नियुक्ति की मांग को लेकर आउटसोर्स स्वास्थ्य विभाग कोविड स्टाफ कर्मचारियों का धरना आज मंगलवार को भी जारी रहा। कर्मियों ने शासन प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि नियुक्ति की मांग को लेकर कर्मी बीते 39 दिनों से आंदोलनरत हैं, पर अभी तक कोई उनकी सुध नहीं ली गई। उन्होंने शीघ्र मांग पूरी न होने तक उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। धरना देने वालों में अमित कुंडल सिंह, संगीता, मेघा, हेमा, पवन, राजेश सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत सस्ता गल्ला विक्रेताओं का आंदोलन आज मंगलवार को भी जारी रहा। विक्रेताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने तथा आगामी 14 अगस्त तक मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई न होने पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। धरना देने वालों में अध्यक्ष मनोज पांडे, कैलाश जोशी, राजेश जोशी, फकीर सिंह, गोकर्ण सिंह, गोपाल सिंह, ललित मेहर, कैलाश पुनेड़ा, हयात चौहान, रमेश सोन, मनोज उप्रेती सहित दर्जनों विक्रेता शामिल थे। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते एसओजी व पुलिस की संयुक्त टीम ने आधे दर्जन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसओजी प्रभारी हरीश सिंह व एचओली चौकी प्रभारी योगेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चंद्रभागा पुलिया के निकट जुआ खेलते आधे दर्जन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जुए के फर्श से एक तास की गड्डी व 29,870 रुपये नकद बरामद किए गए। आरोपियों के खिलाफ धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में साहिल उमेश चौधरी, रामाधार चौधरी, महेश चौधरी, संदीप चौधरी, हरेंद्र शामिल थे। इधर मिशन मर्यादा अभियान के तहत धार्मिक पर्यटन और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने और हुड़दंग मचाने वाले 60 व्यक्तियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर थानाध्यक्ष हीरा सिंह डांगी थल द्वारा एक व्यक्ति पुष्पेंद्र कुमार को शराब पीकर वाहन चलाने पर एमबी एक्ट की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया गया व वाहन को सीज किया गया। जिले भर में चले अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 193 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई कर 7 वाहनों को सीज किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत कनाली थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष जावेद हसन के नेतृत्व में पिपली सड़क पर चेकिंग के दौरान एक कार की चेकिंग की गई, जिसमें से 6 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर चालक विजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और वाहन को सीज किया गया। साथ ही सतगढ़ में एक भोजनालय में मनोज कापड़े को 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल जगत रौंकली, कांस्टेबल रामपाल सिंह, धीरेन्द्र वल्दिया, सुरेश सिंह, शैलेंद्र सिंह शामिल थे। हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।